21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज सब अखबार योग दिवस के विज्ञापनों से भरे हुए हैं। सरकार योग दिवस के फायदे बताने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं हर अखबार के पूरे पूरे पेज पर विज्ञापन आए हुए हैं। हर शहर में योग दिवस का आयोजन हो रहा है। सवाल है कि पत्रकारों को क्या करना चाहिए? उनका इतना प्रचार कर रही है, उनके नेताओं के मोटे पेट के आगे माइक लगाकर पत्रकारों को सवाल पूछना चाहिए। जो पार्टी देश की मेहनतकश जनता की कमाई को योग दिवस के नाम पर इस तरह खर्च कर रही है, क्या उस पार्टी के नेताओं से ये सवाल नहीं बनता कि क्या वह हर रोज योग करते हैं? अगर करते हैं तो उनकी सेहत पर उसका असर क्यों नहीं दिखता? आज के दिन की नेताओं की तस्वीरें देखिए और सोचिए कि क्या ये नेता हर रोज योगा करते हैं? अगर योग करने से गडकरी जी, जेटली जी और खट्टर जी जैसी सेहत मिलती है तो योग का क्या फायदा है? योग दिवस पर विज्ञापनों में खर्च होने वाले पैसे किसके पास जा रहे हैं? बाबा रामदेव भारत में योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनकी सेहत देखिए। बाबा रामदेव 51 साल के हैं। आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान की भी उम्र इतनी ही है। ये तीनों एक्टर बॉलीवुड में अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। कि बाबा रामदेव दिन में कितने ही घंटों योग करते हैं, फिर भी ये तीनों एक्टर इनसे ज़्यादा फिट दिखते हैं। इन चारों में एक बात है जो कॉमन है, ये चारों बहुत अमीर हैं। जब समस्या पेट भरने की ना हो तो लोग जिम जाते हैं और जिम खरीद भी लेते हैं। और अगर बात करें नेताओं की तो भारत के नेताओं का विदेशी नेताओं से कोई मुकाबला नहीं है। विदेशी नेता भारत के नेताओं से ज़्यादा फिट लगते हैं। देश की जनता के सामने समस्या क्या है? जनता के सामने भूख और कुपोषण सबसे बड़ी समस्याएं हैं। क्या ये समस्याएं योग से दूर होंगी? अखबारों ने योग दिवस पर बहुत पेज खर्च किए हैं। उन्हीं अखबार वालों को एक तरफ योग करते नेताओं और दूसरी तरफ भूखी कुपोषित जनता की फोटो छापनी चाहिए। बीमारियां योग से दूर होती हैं या नहीं, ये अभी बहस का मुद्दा है। लेकिन अभी सवाल है, अगर सरकार को लोगों की सेहत की फिक्र है तो सरकार स्वास्थ्य बजट में हर साल कटौती क्यों कर रही है? निजी अस्पताल लूट का घर बने हुए हैं, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, सरकार पूंजीपतियों को सस्ती बिजली मुहैया करवा रही है, योग के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। अभी देश की जनता के सामने रोटी कपड़ा मकान का सवाल है।